हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और प्यानम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज है बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी में अक्सर पीली चीजें बनती हैं, लोग पीले कपड़े पहनते हैं और पीली चीजों का ही भोग लगता है। तो यहाँ पर मैं आज बनाऊंगी बेसन का बहुत ही टेस्टी सा हलवा। तो इसके लिए यहाँ हम पैन में जो है 1.5 कप पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए। इसमें डाल देंगे हम 1/2 कप चीनी और इसे मेल्ट होने देंगे। इसे हमें चाशनी के जैसे पकाना नहीं है, बस केवल मेल्ट कर लेना है और ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर कलर डाल देंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आज जो है त्योहार है तो इस वजह से थोड़ा सा कलरफुल बनाना बनता है। तो हम उस जो है चीनी और पानी के मिक्सचर में जो है थोड़ा सा फूड कलर डाल दिए थे। और यहाँ लिए हैं 1/2 कप जो है बेसन, तो ये चने का बेसन है और इसमें हम घी वगैरह कुछ भी नहीं डाले हैं। बस इस तरह से धीमी आंच पर इनको हम भूनेंगे जब तक कि इनमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। और जब हम बेसन भूनते हैं ना तो उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है, घर में क्या मोहल्लों में भी पता चल जाता है कि आज बेसन का हलवा बनने जा रहा है। तो ये अच्छे से भून गया है, कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी आ रही है। तो इसे अब हम निकाल करके एक बाउल में रख देंगे, क्योंकि इनका यूज हमें बाद में करना है। और सेम इसी कढ़ाई को क्लीन कर लिए हैं। अब यहाँ लिए हैं 1/3 कप घी, तो हम इसमें जो है घी डाल दिए हैं पर थोड़ा सा घी बचा लिए हैं क्योंकि इनका यूज हम बाद में करेंगे। यहाँ 2 चम्मच हम लिए हैं सूजी। सूजी जब हम डाल देते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम दानेदार हलवा बनकर के तैयार होता है। वैसे आप बिना सूजी के भी बना सकते हैं, पर जब है सूजी डाल देते हैं ना तो खाने का मज़ा जो है दोगुना हो जाता है। तो सूजी को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब ये भुना वाला जो बेसन है उसे इसी में हम ऐड कर देंगे और उसके बाद में सूजी और बेसन को साथ साथ ही हम इस घी में भूनेंगे जब तक कि इनका अच्छा सा कलर ना आ जाए। और जब हम भूनेंगे तो इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और आप देख ही सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से भून रहा है। तो इसमें हम बीच बीच में जो है घी डालते रहेंगे। वैसे जो लोग घी ज़्यादा नहीं खाते हैं तो वो कम घी में बना सकते हैं, पर क्या है ना बेसन के हलवे में या मूंग के हलवे में जब हम घी ज़्यादा डालते हैं तब ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पर जो आपको घी मजबूत करके घी तो डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 इलायची, तो ये हरी वाली इलायची इसे तोड़ करके डाल दिए हैं। वैसे आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे देखिए हम इस तरह से भूनते हुए आप देख रहे हैं, धीमी आंच पर भून रहे हैं और बहुत अच्छा सा कलर इसका आ रहा है, एकदम अच्छे से भून भी गया है। और भूनने के बाद देख रहे हैं कि घी जो है बेसन ने छोड़ दिया है, एकदम बढ़िया सा कलर भी आया है और एकदम घी साइड साइड में निकल आया है। तो ये जो हम पानी और चीनी मिला करके रखे थे घोल, इसको हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और इस तरह से चलाते जाएंगे। एक साथ में सारे पानी को हमें नहीं डालना है, इस तरह से चलाते हुए जब हम डालेंगे तो इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इसे चलाते हुए हम अच्छे से पकाएंगे और ये बहुत जल्दी बन करके तैयार होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये देखिए बहुत जल्दी ये जो है गाढ़े होने लगे हैं। जैसे आप कढ़ी वगैरह बनाते हैं ना तो बेसन से जब बनाते हैं तो बहुत थोड़ा सा जब हम बेसन लेते हैं, लेकिन जब हम उसको घोल करके पकाते हैं तो कढ़ी हमारी एकदम से गाढ़ी हो जाती है। तो सेम वैसे ही हलवा भी गाढ़ा हो जाएगा। तो सूजी और आटे का जब हलवा बनाते हैं तो उससे ज़्यादा पानी इसमें लगता है जब हम बेसन का हलवा बनाते हैं। और जो घी हम लिए हैं उसे बीच बीच में डालते जाएंगे और इस तरह से चलाते हुए हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से जब तक ये जो है कढ़ाई में छोड़ने लगे। और इसे ज़्यादा हम नहीं, जैसे आपको प्रसाद वगैरह में ज़्यादा बांटना है तो आप इसको थोड़ा सा ड्राई बना सकते हैं, पर जब इस तरह से थोड़ा सा हम इसको गीला ही बनाते हैं तो रखने के बाद ये सूख जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम इसमें घी डालते जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम जो है 1/2 कप जो है सूजी लिए थे, वो 1/2 कप बेसन लिए थे और 2 चम्मच सूजी लिए थे। तो यहाँ पर हम 1/3 कप जो है घी भी यूज किए हैं। और अब देखिए वो घी जो है रखने की वजह से जम गया है, तो फिर हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिए हैं और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो हमारा हलवा जो है फाइनली एकदम बन करके तैयार हो गया है और कलर भी बहुत अच्छा आया है, महक भी बहुत अच्छी आ रही है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप देख ही सकते हैं कि ऐसे ही रखना है। तो अब हम इसको बंद कर दिए हैं और थोड़ा सा चलाते हुए इसको
और भून लेंगे तो फाइनली हलवा तैयार है। अब चलेंगे इसको हम सर्व करने के लिए। तो इसको हम जो है एक बाउल में निकाल रहे हैं। आप जो है इसकी जमा करके इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी, जैसे आपको लग रहा है कि गीला है, लेकिन अगर इसे किसी प्लेट में जमा करके इसको थोड़ा ठंडा कर देंगे, फिर आप इसको अब देखेंगे काट करके तो एकदम बर्फी के जैसे बन करके ये तैयार हो जाएगा। अब इस पे हम जो है थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा से बादाम जो है इसको बारीक बारीक काट लिए हैं और इसको अच्छे से जो है हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो फाइनली हलवा तैयार है और चल रहे हैं हम इसको सर्व करने के लिए। ये हलवा सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और आप भी जब बनाइएगा तो यकीन मानिए आपके घर में भी सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो हम भी चल रहे हैं खाने के लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और हम तो चल रहे हैं सभी को देने के लिए और आपसे हम फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए।